देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये था कि डिफरेंस ऑफ द मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज इज 2 ईयर्स, मतलब जो मदर की जो एज है और उसकी जो डॉटर की एज है उसमें कितने का गैप है 21 ईयर्स का। तो मदर्स की एज हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स और डॉटर्स की एज ले लेते हैं वाई, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 21 है, तो एक्स माइनस वाई हो गया आपका 21। फिर है द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, अब वो बोल रहे हैं कि उनके जो जो दोनों की जो एज है उनका जो प्रोडक्ट है मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, उसका 12th पार्ट है मतलब एक्स वाई अपॉन 12 और इज लेस देन द मदर्स एज बाई 18 ईयर्स, और उसकी जो मदर की जो एज है वो हमने एक्स मान रखी है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 18 ईयर्स का। ठीक है, तो अब हमारी जो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 21 और दूसरी बन गई एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 18। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 12x माइनस एक्स वाई और ये अपॉन 12 हो गया, तो अपॉन 12 से हमने इस 18 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 18 हो गया आपका 216। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते रहो, अब देखो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं ना x और y, तो अब हमको ये या तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा या y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप x की जगह क्या कर सकते हो, 21 प्लस y ले सकते हो, या y की जगह भी आप x माइनस 21 लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से आपके पास दोनों चॉइस हैं, तो हमने जो चॉइस ली है वो ली है हमने, हमने x की वैल्यू जो है ये रिप्लेस कर दी है 21 प्लस y से। अब देखो x की जगह हमने 21 प्लस y लिख लिया, अब ये पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करते रहो। तो अब इससे हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस टाइप की। अब देखो यहाँ पर लास्ट में फाइनली क्या हुआ है कि 36 माइनस 9y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन ये इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ये, क्योंकि हमको ये जो है हमको इस फॉर्म का चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म का चाहिए, तो ये हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो हमने इनके सारे के साइंस क्या कर लिए, चेंज कर लिए। वाई स्क्वायर का हमने पॉजिटिव बना लिया, इसका भी पॉजिटिव बना लिया और इसको हमने नेगेटिव कर दिया, तो उसके बाद हमने ये इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। 36 के हमने फैक्टर्स कर लिए, 3 × 3 × 2 × 2, तो 12 × 3 में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो वाई के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और माइनस 12। अब जो एज है हमारी वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, वो पॉजिटिव ही है। अब हमको दूसरी जो वैल्यू चाहिए वाई की, तो हम पे निकल गई, मतलब जो डॉटर की एज है वो तो हमने कैलकुलेट कर ली 3 ईयर्स। अब हमको चाहिए मदर की एज, तो मदर की एज निकालने के लिए हमने जो हमारा जो इक्वेशन 1 था ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 21, वहाँ पर हमने क्या रख ली, y की वैल्यू रख ली 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 21 हो गया और x हो गया हमारा 24, और y की वैल्यू वही रहेगी जो हमारे पहले थी।